कि मैं उन बातों को स्पष्ट करूं जो मेरे विरोध में डाली गई हैं। कुछ एक वीडियो से संबंधित है जो आजकल फैलाई जा रही है Actually, मुझे इसके विषय मालूम नहीं था डे बिफोर ये आई वॉज गोइंग शादी में जा रहा था वेन दिस क्लिप केम बिफोर मी जब ये वीडियो क्लिप मेरे सामने आई आई रिकॉग्नाइज दैट प्लेस मैंने उस जगह को पहचान लिया बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली हैड बीन टू दैट प्लेस क्योंकि अभी हाल ही में मैं उस जगह पे जाके आ चुका हूं एंड इट्स सेम प्लेस और ये वही स्थान है वे आर सिस्टर इज मेकिंग सटन स्टेटमेंट जहां पर एक बहन जो है कुछ खास टिप्पणियों कह रही है एंड द स्टेटमेंट विच इज मेकिंग और जो वाक्य वो बोल रही है इज समथिंग लाइक

It was the mystery that God unfolded. ये तो वो भेद था जो खुदावन ने खोला था It's not a man. ये कोई आदमी नहीं है It's God. ये खुदा है The angel was not the son of man. जो दूत है वो मनुष्य का पुत्र नहीं था He's referring to the seventh angel. वो संकेत दे रहे हैं विषय में बात कर रहे हैं सातवें दूत की He was the messenger from the son of man. वो तो संदेश वाहक था दूत था मनुष्य के पुत्र से द सन ऑफ मैन इज क्राइस्ट मनुष्य का पुत्र मसीह है He's the one that you are feeding on. वो ही इज द वन दैट यू आर फीडिंग ऑन वही है वो जिसमें से आप खा रहे हैं यू आर नॉट फीडिंग ऑन अ मैन आप किसी मनुष्य पे से नहीं खा रहे अ मैन हिज वर्ड्स विल फेल एक आदमी उसकी बातें तो टल जाएंगी बट यू आर फीडिंग ऑन द अनफेलिंग बॉडी वर्ड ऑफ द सन ऑफ मैन परंतु आप न टलने वाले

Secondly, I would like आई वुड लाइक टू points. दूसरी तो, uh, बात यह है कि मैं कुछ खास बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं दैट इट लुक्स इन दिस कंट्री waiting for सच moments. ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में बैठे हैं कि ऐसे मौके वो ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ आलोचना करने का मौका मिल जाए एंड देन फट पड़ते हैं हर एक किस्म की टिप्पणियां और कमेंट इंटरनेट पे डालने लगते हैं विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वॉट इज अंड बिना किसी उचित जांच पड़ताल के कि उस कही बात के पीछे क्या कुछ भूमिका या पृष्ठभूमि थी

कि आप जानेंगे कि एक कभी कभार एक तरीका होता है कुछ बातों को कहने का इनफैक्ट आई वाज नॉट इन दैट मीटिंग वास्तविकता में तो मैं उस मीटिंग में था भी नहीं इफ आई वाज देयर आई वुड हैव करेक्टेड इट देन इटसेल्फ अगर मैं वहाँ होता तो मैंने उसको वहीं पर ठीक किया होता पर ये हर एक के लिए है जहां पर ये वीडियो वहां पहुंचेगी आई एम नॉट सन ऑफ मैन ब्रदर मेरे भाई मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूँ आई एम सीन मैं एक गुनहगार हूँ जो उसके अनुग्रह से बचाया गया हूँ Yes, he uses our bodies. हाँ, वो हमारी देहों का इस्तेमाल करते हैं. But brother Ashish did not take the book and open the seals. पर भाई आशीष ने पुस्तक को लेके मोहरों को नहीं खोला. Brother Ashish was not the mighty angel. भाई आशीष बलि स्वर्दूत नहीं है. I am just his small son, servant, whatever. मैं केवल उसका छोटा दास बेटे के मानिंद ही हूँ. Who received this book like you all did? जिसने उसी तरीके से पुस्तक को प्राप्त किया जैसे आप सबको भी मिलती है एंड आई मेंटेन माइ सेल्फ इन दैट पोजिशन और मैं अपने आप को उसी दायरे में बना के रखता हूं देन सेकेंडली आई वु से फिर दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा इफ इज नॉट से कुछ ऐसी बातें मानो दिखाने के लिए ऐसे सबूत डाले गए कि ऐसा प्रतीत कराया जाए लोगों को कि भयाशीष कह रहे हैं कि वो मनुष्य का पुत्र है जबकि वो आ, साफ साफ ऐसा मुंह से नहीं कह रहे पर ऐसा लगता है उनकी कई बातों से माई चर्च मेरी मोर देन फाइव हंड्रेड पीपल आर अ विटनेस मेरी कलिसिया जो 500 से भी ज्यादा लोगों की है वो एक गवाह है कोई भी मेरी उपासना नहीं करता दे वर्षिप क्राइस्ट वो मसी की ही उपासना करते हैं इस बात को इस सिद्धांत को भली भांति समझते हैं कि कैसे खुदावन जो है एक इंसान में प्रकट होता है मनुष्य में प्रकट होता है और खुदा जो है मनुष्य कहलाया जाता है आई वु लाइक टू से दिस मैं ये कहना चाहूंगा इन दिस रिगार्डिको विच इज इन क्वेश्चन इसके संबंधित एक तस्वीर भी है जिस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं ऑफ द क्लाउड चेहरा उसमें आ गया है आई मेड अडियो दिस लेटर केम आउट इनिशियली बट बिकॉज ऑफ समू स्टॉप दैट वीडियो मैंने शुरुआत में जब ये बात निकल के आई थी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी ऐसी समानी परिस्थितियां थी पर कुछ कारणवश हमें उसे रोकना पड़ा बट टूडे आई नॉट क्लैरिफाइड पर आज मैं उसके विषय में स्पष्टीकरण फिर से देना चाहता हूं अगर कोई इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हुआ है पॉइंट नंबर वन दैट पिक्चर वॉज नॉट मेड इट वॉज नॉट फेब्रिकेटेड पहली बात तो यह है कि वो तस्वीर बनाई नहीं गई थी उसे किसी कलाकारी से बनाया नहीं गया है रिसेंटली हर्ड अ मिनिस्टर वेरी सीनियर मैन इन दिस मैसेज प्रीचिंग इन आंध्र प्रदेश दैट सम ministers इवन पुट their फेस इन द क्लाउड मैंने अभी हाल ही में एक प्रचारक को सुना बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक हैं, आंध्र प्रदेश में उन्होंने प्रचार करके कहा अपने संदेश में कि कुछ प्रचारक जो है अपनी तस्वीर को बादल में डालते हैं first, मेरी चाहत थी भाई भला होता कि आप पहले इस बात की और पुष्टि करते इट योर एज यू मेक सच कमेंट ये ठीक नहीं प्रतीत होता कि आपके जबकि पके हुए बाल हैं सफेद बाल हैं और आप इस स्थिति पे हैं कि आप ऐसी बात कहें

and that brother was sitting in his house listening to the message on his mobile. And he was asking a sign from the Lord for his healing. When suddenly he noticed something happening on his mobile. जब उन्होंने अचानक से गौर किया कि कुछ चीज उनके मोबाइल में होती है ही इट क्लोजली उन्होंने बड़े गौर से देखा बट ही मिस्ड इट द फर्स्ट टाइम पर पहली दफा उन्होंने उसको देखने में चूक गए ना ही अलर्ट अब वो सतर्क हो गए नेक्स्ट टाइम इट स्क्रीन शॉट उन्होंने कहा कि अगली दफा ये होगा तो मैं इसका एक ले लूंगा और यही चीज हुई और अगली दफा जब यह हुआ तो उन्होंने इसका ले लिया और वहां पर वो तस्वीर आई है आई डिट पुट माई फेस इन द्लाउड मैंने अपना चेहरा बादल में नहीं डाला काइंडली एवरीबडी बी क्लैरिफाइड प्लीज कृपया करके हरेक को इस बात को भली भांति जान ले

बट इट्स परंतु ये वही मसी है एक और पहलू है बहुत इस बात पर ही विश्वास नहीं करते वो मसी इस बादल में प्रगट हुए हैं देस वो उनके चेहरे को देख नहीं पाते हाउ कोई बात नहीं बट दे तब कहा Christ, वो वो the Logos, जो कि इन मॉर्फी कर सकता है किसी भी देह के पीछे दैट पर्टिकुलर ट्यूजडे नाइट वो खास मंगलवार रात ही केम इन दिस चर्च वो इस चर्च में आए एन एंड मॉफी बिहाइंड योर पास बॉडी और उन्होंने इनमोर्फी किया आपकी पास्टर के देह के पीछे यही है बस नथिंग मोर देन दैट इससे कोई ज्यादा नहीं बट एट टाइम आई टोल्ड माय पीपल पर उसी के साथ साथ मैंने अपने लोगों को बताया काइंडली डोंट कृपया करके मैंने अपने लोगों से कहा कृपया करके इस तस्वीरों को ऐसी तस्वीरों को ना फैलाएं क्योंकि एक बड़ा ही गलत प्रभाव छोड़ता है और संदेश को लेकर सूचना पहुंचाता है टू विच आई विटनेसेस जिसके लिए इस कही बात के लिए मेरे पास 500 सौ से भी ज्यादा गवाह होंगे अगर कोई चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊ इसके लिए किसी की संतृप्ति के लिए या संतुष्टि के लिए तो मेरे पास पूरी कलिसिया होगी जो अपने हाथों को उठा सकती है या मेरे भाई कृपया विश्वास कीजिए उस बात का जो मैं कहता हूँ I personally said, मैंने निजी तौर पे ये कहा था. Please don't circulate such pictures. कृपया करके ऐसी तस्वीरों को ना फैलाएं. It creates a wrong message. इससे गलत संदेश जाता है. But anyhow, पर कोई बात नहीं. Somewhere it got circulated. किसी तरीके से ये फैल गई बात आगे चली गई कहीं. And finally, such scenes were created. और आखिरकार उससे ये सीन मैं अपने आप को कभी बादल में नहीं नहीं. डालना चाहता था. नहीं। And I didn't do it, brother. और मैंने ऐसा किया भी नहीं मेरे मेरे भाई. तो एक गलत गलत बात है, गलत है दोष ऊपर कि मैंने अपने चेहरे को बादल में डाला है इट्स टोटली रॉन्ग बेसलेस एलिगेशन ये पूरी तरीके से आधारहीन एक ऐसी तोहमत है जिसका कोई आधार नहीं है

Did you hear that audio? audio Don't just see the banners, hear the whole audio, brother. Nowhere did I say such a thing. But that title does not mean Brother Ashish is William Branham in India, but that title means when Brother Branham came to India and how Brother Branham's ministry is related to India. कि वो विलियम ब्रैनम इंडिया में इसका मतलब ये नहीं कि भाई आशीष हैं विलियम विल्या, ब्रैनम इंडिया में परंतु उस टाइटल का मतलब ये है कि कैसे भाई ब्रैनम इंडिया आए हिंदुस्तान आए और कैसे उनकी सेवकाई जुड़ी हुई है संबंधित है इस देश हिंदुस्तान से यू नो you know, पर आप जानते हैं हाउ सम राइट थिंग्स कैन बी ट्विस्टेड एंड मेड टू लुक डिफरेंट कैसे सही चीज को भी मोड़ के तोड़ के ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो फर्क नजर आए

अगर वो प्रभु ये अगर वो भाई आशीष को प्रभु यीशु के समान इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें गधा भी दे देते My precious brother, मेरे नहीं वॉकिंग ऑन पाम लीव्स और वास्तविकता में देखें तो ये गधा था जो उन खजूर की पत्तियों पे चल रहा है आई थिंक यू आर मिस्टेकन इन दैट पिक्चर मैं सोचता हूं आपने उस तस्वीर को समझने में गलती करी है काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कृपया करके समझने की कोशिश करें एंड डोट गिव योर एलिगेशन जस्ट लाइक और बिना सोचे समझे अपनी ऐसी आलोचना मत करें आई ऑल्सो है फ्यू क्वेश्चन मेरे पास भी कुछ सवाल है विच आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म जो कि मैं इस मंच से आपके सामने रखना चाहूंगा पीपुल रेज देयर वॉइस इज ऑन द नेट एंड ऑन पब्लिक मीडिया फॉर सच थिंग्स लोग अपनी आवाजें उठाते हैं इंटरनेट पे और पब्लिक मीडिया पे इन बातों के लिए एंड टेक डोंट फॉलो देम दे आर अ कल्ट और वो कुछ नाम लेके कहते हैं और कहते हैं इनके पीछे मत चलना इनको फॉलो मत करना क्योंकि ये we हम कभी ना तो थे और ना कभी होंगे स्पिरिट ऑफ लॉरी नो और ना ही हम लॉरी की आत्मा में पकड़े गए हैं इट्स ऑल लाइज 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 ये सब कुछ झूठ 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 है It's absolutely wrong. ये पूर्णता बिल्कुल गलत है A wrong representation. एक गलक, गलत गलत प्रतिनिधित्व है But I have questions. पर मेरे पास सवाल हैं. Recently in Andhra there was a meeting. अभी हाल में आंध्रा में एक मीटिंग हुई I also saw it. मैंने भी उसे देखा

और फिर वो आगे बढ़ते हैं कहने के लिए इट वॉज नॉट क्राइस्ट इट लुक लाइक क्राइस्ट ये मसीह नहीं थे ये तो मसीह जैसा दिखता है आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या आप समझ रहे हैं वाई डोंट पीपल रेज वॉइस फॉर सच मैसेजेस क्यों लोग ऐसे कहे संदेशों के विरोध में आवाजें नहीं उठाते वाई डू यू गेट बी फूल्ड नाउ एंड अगेन क्यों आप अक्सर धोखे में आ जाते हैं मैसेज have, have क्या आपने संदेश नहीं पढ़ा He goes on to say, "Don't do artistry in this cloud." वो आगे बढ़ते हैं कहने के लिए कि इस बादल में कोई कलाकारी मत कीजिए। When Brother Branham himself said, "We are not doing any artistry," हम खुद कोई ऐसी कलाकारी नहीं कर रहे, जबकि भाई ब्रह्म ने स्वयं कहा, "In the message, works is faith expressed." उस संदेश में काम विश्वास का प्रगटीकरण है। There you can see the Hoffman picture. वहाँ आप उस Hoffman की तस्वीर देख पाते हैं। In the message, rising of the sun. सूर्योदय वाला संदेश वाले में उसमें उन्होंने कहा He never said you can somewhat see his eyes. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि शायद थोड़ा लगभग लगता है आप उनकी आंखें देख पाते हैं He clearly said, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा There you can see his eyes, his nose, his face. वहां तो आप उनकी आंखें उनकी नाक और उनके चेहरे को देख सकते हैं माई प्रेशस ब्रदर मेरे बेशकीमती भाई डोंट बी कॉट अप विद दिस डिनोमिनेशनल स्पिरिट आप इस धंसागत गिरजे वाली आत्मा के शिकंजे में फंस मत जाइए नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं हु इज अ कल्ट ये कल्ट कौन होता है आई एम कल्ट नाउ अब कल्ट कौन है नोइंगली बाय पासिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट जानते बूझते हुए नबी के कहे हुए वाक्यों को लांग रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ डिल्यूशन एक धोखे का भ्रम का आत्मा यू कीप क्वाइट फॉर दैट आप इसके लिए चुप रहेंगे आई should यू शुड the फर्स्ट वन टू रेज योर वॉइस मैं सोचता था आपको तो पहला शख्स होना चाहिए था इसके विरोध में आवाज उठाने वाला और योर टारगेट इज ओनली वन ब्रदर या आपका निशाने पे केवल एक ही भाई है और few ब्रदर्स या कुछ और चंद भाई You 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 don't have other people. If you are standing on right principle, brother, wherever you see the wrong, you will speak for it. अगर आप सही सिद्धांत पे खड़े हैं मेरे भाई तो जहाँ कहीं आप गलत को देखेंगे आप उसके विरोध में आवाज उठाएंगे It's a shame. ये शर्म की बात है that in the name of the message, people are befooled. कि संदेश के नाम में लोगों को धोखा दिया जा रहा है आई स्टैंड फॉर दैट और मैं उसके लिए खड़ा होता हूं स्पीक अगेंस्ट दैट की मैं इसके विरोध में बोलू आई वॉन्टो से मैं यह भी कहना चाहता हूं एलिगेशन ये तमाम दोष बिना किसी आधार या बुनियाद के हैं एट ऑल पूर्णता आई नेवर कॉल माई सेल्फ नो मैन मैंने अपने आप कभी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा एन आई एम सींग दिस एस अल स्टेटमेंट टूडे और ये मैं एक निर्णायक फाइनल वाक्य के रूप में आपके सामने बोल रहा हूं आई एम नॉट लॉर्ड जीजस क्राइस्ट मैं प्रभु येसु मसीह नहीं हूं आई एम नॉट द सन ऑफ मैन मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूं आई एम जस्ट अ ब्रदर मैं केवल एक भाई हूं इन दिस मैसेज इस संदेश में सेव बाय हिज ग्रेस जो उसके अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है देर आर मेनी थिंग्स आई कैन से बहुत सारी चीजें जो मैं कह सकता हूं एंड आई कैन प्रूव इट फ्रॉम द मैसेज और मैं संदेश से इस बात को साबित कर सकता हूं

You don't even have to read messages. और यहां तक कि तुम्हें संदेश पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. Just read the Bible. केवल Bible पढ़ो. Why don't people raise their voices? क्यों नहीं लोग अब अपनी आवाजें उठाते? Think brother. सोचिए भाई. What kind of spirit are we being governed by? किस किस्म की आत्मा के द्वारा हम चलाए जा रहे हैं? I would say, मैं ये कहूँगा। Wake up brother. जाग जाइए भाई before it is too late. इससे पहले बहुत देरी हो जाए. In any case, और वैसे भी Those who are doing such दोंग्स जो ऐसी कर रहे हैं I'm saying it on your face. मैं आपके कहता हूं now get ready to face the consequences, अब इसके खमियाजे को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए will have to, आपको भुगतना ही पड़ेगा It is now between you and God, ये अब आपके और खुदा के बीच की बात है Anyhow, कोई बात नहीं to all the viewers. सारे देखने वालों के लिए Who are in this and abroad, जो इस देश में हैं और विदेश में हैं। आई वॉन्ट टू स्प्रेड मैं इस संदेश को सब तक पहुंचाना चाहता हूं फॉर मी कि ये गलत बातें हैं जो मेरे, मेरे लिए कही गई हैं। एंड आई वेहीमेंटली स्टैंड अगेंस्ट दैट और मैं पूरी तरे तरीके से पूरे जोर के साथ इसके विरोध में खड़ा होता हूं गॉड ब्लेस यू खुदावन आपको बरकत दे and give you a proper understanding Or aapko ek sahi samajh bakshe god bless you khuda ban amen amen thank you dhanyavaad